Hello everyone, I'm Akhilesh Kumar Shivastav, and in today's lecture, we will discuss about deletion of the all occurrences of a given number or the given data item from the linked list. मान लीजिए कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है और उस लिंक लिस्ट में बहुत सारी पोजीशंस पे बहुत सारे लोकेशंस पे एक्स डेटा आइटम है. अगर आपको सभी नोड्स को जिनके पास एक्स डेटा आइटम है डिलीट करना है तो उसके लिए हम आज के इस लेक्चर में एक एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे. तो मान लीजिए कि इसको इस प्रोसेस को करने के लिए हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ेगी. तो हम एक काम करते हैं कि पी ले लेते हैं जो कि पहले नोड का एड्रेस है और एक क्यू ले लेते हैं जो कि फर्स्ट नोड का प्रीवियस नोड है. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस पी के थ्रू हम ट्रैवर्स करेंगे और क्यू हमेशा पी का प्रीवियस नोड होगा. इसका मीनिंग ये है कि अगर पी पहले नोड पे है तो क्यू नल होगा, पी अगर सेकेंड नोड पे है तो क्यू फर्स्ट नोड पे होगा, अगर क्यू थर्ड नोड पे है तो पी अगर थर्ड नोड पे है तो क्यू सेकेंड नोड पे होगा, अगर पी फोर्थ नोड पे है तो क्यू थर्ड नोड पे होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हमने इनिशियलाइजेशन किया है पी इज इक्वल टू स्टार्ट, इसका मतलब है कि पी इज एट द फर्स्ट नोड एंड क्यू का हमने जो इनिशियलाइजेशन किया है वो नल से किया है. ट्रैवर्स करते करते अगर हमें ये दिखता है कि पी नोड के पास इंफॉर्मेशन एक्स है तो हम उस नोड को डिलीट कर देंगे. तो जैसे अगर आप देखिए कि ट्रैवर्स अगर हम करना है स्टार्ट करें तो ट्रैवर्सल की जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी वो होगी कि जब तक पी एक वैलिड नोड पे है तब तक हम ट्रैवर्सल करते रहेंगे. इसका मतलब है कि जब तक पी नल नहीं हो जाता तब तक हम ट्रैवर्सल करते रहेंगे. मान लीजिए कि जिस नोड को हम डिलीट करना जिस नोड को हम डील कर रहे हैं उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में एक्स है. तो अगर ये एक्स है तो इसका मतलब है कि ये टारगेट नोड है जिसे हमें डिलीट करना है, और अगर हमें नोड को डिलीट करना है पी नोड को तो सबसे पहले हम पी को आगे प्रोग्रेस करा देते हैं, मतलब कि पी इज इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट से हमने पी को प्रोग्रेस करा दिया. एंड उसके बाद हम नोड को डिलीट करेंगे और अगर क्यू नल है तो ये मीनिंग है कि पहले ही नोड के पास इंफॉर्मेशन एक्स है. आई रिपीट, अगर क्यू नल है तो ये एक इंडिकेशन है कि फर्स्ट नोड के पास ही एक्स है. हम फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए डिलीट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल कर लेंगे. सो अगर क्यू नल है तो इसका मतलब हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, और फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए आपको पता है कि आप डिलीट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करके ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए कि क्यू फर्स्ट नोड पे नहीं है, सर क्यू नल नहीं है, तो उस केस में आई एम प्रोग्रेस करते करते इसको देखते हैं. ये हमारा नोड डिलीट हो चुका है प्रोसेस के हिसाब से, और अब जो करंट नोड पी है वही फर्स्ट नोड है और क्यू हमारा नल है. इसके बाद हम देखते हैं क्या पी नोड के पास इंफॉर्मेशन एक्स है. इस केस में ऐसा नहीं है तो हम पी को आगे मूव करा देते हैं, लेकिन पी को मूव कराने से पहले हम क्यू को मूव करा के पी के प्रीवियस पोजीशन पे लेके आते हैं जिससे कि क्यू हमेशा पी का प्रीवियस नोड बना रहे. तो हम एक छोटा सा कंडीशन यहाँ नीचे लिख देते हैं कि अगर पी डॉट इन्फॉर्मेशन एक्स नहीं है तो उस केस में हमने सिंपली क्यू को लेके आना है पी की पोजीशन पे और पी को आगे मूव करा देना है अगले नोड पे. यही टास्क हमने यहाँ पे किया. उसके बाद अगर आप फिर से देखिए कि पी के पास जो अब जो इंफॉर्मेशन है पी के पास अब वो एक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि क्यू को मूव कराएंगे पी की पोजीशन पे और पी को एक आगे प्रोग्रेस करा देंगे. तो नाउ पी अब एक ऐसे नोड पे है जिसके पास इंफॉर्मेशन एक्स है. तो आप देखिए कि अगर आप लूप के हिसाब से चलें तो पी नल नहीं है, पी के पास इंफॉर्मेशन एक्स है, और आपने देखा कि एक्स है तो हम डिलीट करेंगे. डिलीट करने से पहले आपने पी को आगे मूव करा दिया और आपने देखा कि क्या क्यू नल है. इस केस में क्यू नल नहीं है, क्यू एक वैलिड नोड पे है, इसलिए आप क्यू के बाद वाले नोड को डिलीट कर देंगे. अगर आप क्यू के बाद वाले नोड को डिलीट करेंगे तो बाद वाला नोड डिलीट हो जाएगा और हम लिंकिंग कर देंगे नए पी को क्यू के साथ. तो हमने क्या किया कि अगर क्यू नल नहीं है तो हमने डिलीट आफ्टर फंक्शन को परफॉर्म किया और डिलीट आफ्टर में हमने एड्रेस प्रोवाइड किया क्यू का. थोड़ा फाइन लिख लेते हैं इसको. हमने क्यू एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जिससे कि क्यू के बाद वाला नोड डिलीट हो जाए, और हमने पी को तो पहले ही आगे प्रोग्रेस करा दिया है. नाउ वंस अगेन आप अगर चेक करें तो पी के पास अब इंफॉर्मेशन एक्स नहीं है, तो क्यू को हम यहाँ लाएंगे और पी को आगे मूव करा देंगे. इस नोड के पास भी इंफॉर्मेशन, इस करंट नोड के पास भी इंफॉर्मेशन एक्स नहीं है, तो हम क्यू को यहाँ लाएंगे और पी को आगे मूव करा देंगे. देन इस नोड के पास इंफॉर्मेशन एक्स है
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी को आगे मूव करते हैं, और जैसे आप पी को आगे मूव करेंगे पी की वैल्यू नल हो जाएगी। इसके बाद आप डिलीट आफ्टर क्यू फंक्शन परफॉर्म कर दीजिए। डिलीट आफ्टर क्यू फंक्शन जैसे आप परफॉर्म करेंगे क्यू के बाद वाला नोड डिलीट हो जाएगा और क्यू के नेक्स्ट फील्ड में नल सेट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है डिलीट आफ्टर फंक्शन, आप मेरे किसी भी प्रीवियस लेक्चर से देख लीजिए। और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिलीट कर दिया क्यू के बाद वाले नोड को, और चूंकि पी नल हो गया है लूप की जो एंट्री कंडीशन है वो फेल हो गई है, इसलिए हम अपने प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर देंगे। सो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें हमने डिलीशन किया है ऑफ ऑल द ऑकरेंसेस ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन लिंक लिस्ट। आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। सो हमारे पास एक फ्रेश फंक्शन हमें लिंक लिस्ट का लिखना है, तो जिन जिन फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि डिलीशन ऑफ ऑल ऑकरेंसेस, सो डेल ओ सी सी डॉट सी नाम से हम एक फंक्शन लिखते हैं, और इसमें सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, और इसमें हमें मैलॉक की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने stdlib.h फंक्शन भी इंक्लूड करा लिया है। सबसे पहले लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो हम कहते हैं struct node, और इसमें एक इंटीजर इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं, एंड देन कहते हैं कि struct node star next, एक सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर हमने यहाँ पे लिया है। जिन जिन फंक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी उसमें से एक गेट नोट फंक्शन होगा। गेट नोट फंक्शन क्या करेगा, गेट नोट फंक्शन एक नोड के लिए मेमोरी क्रिएट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, ये हमारा पॉइंटर है जो कि एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस लेगा। तो हमने टाइप कास्टिंग कर दी, जो भी मेमोरी हमारी क्रिएट होगी उसकी मेमोरी का जो एड्रेस क्रिएट होगा उसका, यहाँ हमने लिखा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जितना एक नोड मेमोरी लेता है उतनी मेमोरी हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और इसको रिटर्न कर देते हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप किसी नोड को क्रिएट करें तो उसके नेक्स्ट फील्ड को नल सेट कर दें। दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट यू कैन एडॉप्ट, क्योंकि ये आपको ट्री की प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करेगा। सो आपने पी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल सेट कर दिया। ओके फाइन, अब इसके बाद हमें जिन फंक्शन की जरूरत है, मान लेते हैं कि हमने इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल किया है, और इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन में आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार्ट, एंड देन एक इंफॉर्मेशन एक्स जो कि हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन क्या करेगा कि सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेगा, या नोड की मेमोरी के लिए इस नोड की मेमोरी क्रिएट करेगा, तो उसके लिए हम गेट नोड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और गेट नोड फंक्शन में कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मेमोरी क्रिएट करेगा। और p के इंफॉर्मेशन फील्ड में हम डाल देते हैं एक वैल्यू x, फिर p को करंट जो फर्स्ट नोड है उसके साथ लिंक कर देते हैं, और जो भी लिंक कैसे करेंगे, p डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार स्टार्ट, और जो p नोड हमारा बना है इसी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट नोड है। सो p डॉट स्टार स्टार्ट इज इक्वल्स टू p। सो इस तरह से हमारा इंसर्ट बिगिनिंग हो गया है, पहले नोड की तरह से इंसर्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नाउ एक और हमें फंक्शन की जरूरत होगी जो कि ट्रैवर्स है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी लिंक लिस्ट कैसी बनी है, और हम जब डिलीशन करेंगे तो डिलीशन के समय भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिलीशन के बाद हम देखना चाहेंगे कि कैसी लिंक लिस्ट हमारी बनी। सो ट्रैवर्स फंक्शन है, ट्रैवर्स फंक्शन में हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर दिया, सो स्टार स्टार्ट, और इसके बाद हम एक अपनी तरफ से मान लेते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टार स्टार्ट, एंड देन इसके बाद हम ट्रैवर्सल करते हैं, और ट्रैवर्सल तब तक होगा जब तक कि पी नल ना हो जाए, व्हाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम क्या करते हैं कि पी के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। सो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर लेते हैं, परसेंटाइल डी एंड p dot info, and then p is equals to p dot next, इससे हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, एंड देन
ये हमारा लिंक लिस्ट की तरह से दिखे, इससे सिंपली हम यहाँ पे एक ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा देते हैं। तो ये हमारी लिंक लिस्ट हो गई, और इस लिंक लिस्ट के बाद हम मेन बना लेते हैं। और मेन में अपनी तरफ से हम एक फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार्ट, एंड स्टार्ट को नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। और इसी लिंक लिस्ट में हम इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन का यूज करके इंसर्शन कर लेते हैं। सो इंसर्ट बिगिनिंग में आपने पास किया एड्रेस ऑफ स्टार्ट एंड लेट्स से इंफॉर्मेशन 10। तो हम कई सारे इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं इसमें, और कई सारे नोड्स में इंफॉर्मेशन 10 रख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इस नोड में भी 10 रख दिया, इसमें 40 रख दिया, इसमें 50 रख दिया, इसमें भी 10 रख दिया, इसमें 30 रख दिया, इसमें भी 10 रखा, और इसमें भी 10 रखा। फाइनली आप ट्रैवर्स करके देख लीजिए कि आपकी लिंक लिस्ट कैसी बनी है। तो आपने स्टार्ट से ट्रैवर्स करके देख लिया फंक्शन, या मेन को फिनिश करने के लिए आपने रिटर्न 0 लिख दिया, ये कंपलसरी स्टेटमेंट है। फाइन, तो एक गलती हमसे हुई है, ट्रैवर्सल में स्टार स्टार्ट से स्टार्ट नहीं होगा। रन करके देखते हैं, देखिए आपकी जो लिंक लिस्ट है वो ऐसी बन रही है कि 10 10 30 10 50 40 10 एंड 10। अब हमें क्या करना है कि इस लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट में हर एक इंफॉर्मेशन जिसमें कि 10 है उसको डिलीट करना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम एक फंक्शन और बना लेते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया था, डिलीशन ऑफ ऑल ऑकरेंसेस। सो डेल ऑकरेंस हमने पास कॉल किया है, और इसमें सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस जो कि पास किया गया है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन होगा क्योंकि इसमें हम चेंजेस करने जा रहे हैं। सो हमने यहाँ पे अपने से दो पॉइंटर वेरिएबल्स लिए, एक पी लिया और एक क्यू लिया है। और पी और क्यू जो है, जैसे भी अभी हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि पी करंट नोड को डिनोट करेगा, और जो क्यू है वो डिनोट करेगा पी के प्रीवियस नोड को। इसका मतलब है कि इनिशियली क्यू हमारा नल होगा। सो हम ट्रैवर्सल करेंगे जब तक कि पी हमारा नल नहीं हो जाता। देर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो गिवन नोड में इन्फॉर्मेशन एक्स है, लेट्स से जो हमारा गिवन नोड है उसमें इन्फॉर्मेशन एक्स है। अगर गिवन नोड में इन्फॉर्मेशन एक्स है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, या तो बीच में किसी नोड को डिलीट करना है। सो अगर हमें क्यू नॉट अगर क्यू नल है तो इसका मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए आप डिलीट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल कर दीजिए, और डिलीट बिगिनिंग फंक्शन में आप एड्रेस ऑफ स्टार स्टार्ट पास कर दीजिए। एंड देन इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि डिलीट आफ्टर फंक्शन को कॉल करना होगा, और डिलीट आफ्टर में आप गिवन नोड क्यू के बाद इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दीजिए। इसलिए हमने एड्रेस ऑफ क्यू यहाँ पे पास कर दिया। लेकिन चाहे हमें डिलीट करना हो पहले नोड को, या फिर हमें बीच में किसी नोड को डिलीट करना हो, इन दोनों केस में सबसे पहले हमें पी को आगे वाले नोड से प्रोग्रेस कराना चाहिए, जिससे कि पी कहीं लॉस ना हो जाए। अगर आप क्यू के बाद के नोड को डिलीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पी लॉस हो जाएगा कहीं, या पी के पास एक ऐसे नोड का एड्रेस होगा जो कि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो हम ये नहीं चाहते कि पी के पास कोई इनवैलिड एड्रेस हो, इसीलिए हमने पी को पहले मूव करा दिया। अब मान लीजिए कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके पास इन्फॉर्मेशन, सॉरी जिस नोड पे हम करंटली हैं उसके पास इन्फॉर्मेशन एक्स नहीं है, तो हम सिंपली क्यू को आगे बढ़ा देते हैं और पी को भी आगे बढ़ा देते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट नोड की इन्फॉर्मेशन को चेक कर पाए। तो ये डिलीशन ऑफ ऑल ऑकरेंसेस ऑफ एक्स बन गया है। इसके लिए दो बेसिक फंक्शंस की हमें जरूरत होगी, एक है फंक्शन डिलीट बिगिनिंग, और एक फंक्शन हमारे पास है डिलीट आफ्टर। सो मान लीजिए कि हमारे पास एक डिलीट बिगिनिंग फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, और हमारे पास एक लिंक लिस्ट ऐसी है 1 2 3, तो इस तरह की एक लिंक लिस्ट हमारे पास है। अगर हमें पहले ही नोड को डिलीट करना है और पहले नोड का एड्रेस स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे कि पी ले लेते हैं जो कि फर्स्ट नोड पे है, स्टार्ट को हम सेकेंड नोड पे मूव करा देंगे, एंड देन उसके बाद हम जो मेमोरी है पी के द्वारा ऑक्यूपाइड उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है डिलीट बिगिनिंग फंक्शन, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, अपनी तरफ से एक नोड ले लेते हैं पी, या एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं पी, और पी के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लेते हैं। और इसके बाद फिर फर्स्ट नोड को अगर हमें डिलीट करना है
तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो स्टार्ट है वो आगे शिफ्ट होगा, तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू डी डॉट नेक्स्ट। अब स्टार्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस है, अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो वैसे तो बेस्ट वे है कि आप फर्स्ट नोड की इन्फॉर्मेशन को सेव करें एंड देन उसको रिटर्न भी करें, लेकिन यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि सिंपली इस नोड को फ्री फंक्शन का यूज करके इसकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फाइन, सो हमने सिंपली ये काम किया कि इस नोड की इन्फॉर्मेशन को फ्री कर दिया। इसके बाद मान लीजिए कि आपको डिलीट आफ्टर फंक्शन डिजाइन करना है, तो डिलीट आफ्टर फंक्शन में हमें क्या गिवन है, एक नोड का एड्रेस गिवन है। लेट से वो जो नोड है जिस नोड को हमें डिलीट करना है वो पी नोड है, और इसको हमें डिलीट करना है। वंस अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए कि ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है और इसमें आपको जो पी गिवन है वो इस नोड का एड्रेस गिवन है, तो इसके बाद वाले नोड को आपको डिलीट करना है। मान लीजिए कि इसके बाद वाला नोड क्यू है और इसके बाद वाला नोड आर है, तो आपको क्या करना है कि पी के नेक्स्ट फील्ड में आप आर का एड्रेस डाल देंगे, पी के बाद वाले नोड में आप आर का एड्रेस डाल देंगे और क्यू को फ्री कर देंगे। तो फिर से देख लीजिए इसको, ये हमें पी के बाद वाले नोड को डिलीट करना है तो क्यू को डिलीट करना है। तो क्यू को डिलीट अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे कि क्यू के बाद वाला नोड जो आर है उसकी लिंकिंग पी के साथ कर देंगे। तो इस डायग्राम को देखते देखते हम ये काम करते हैं। तो लेट से हमने मान लिया है कि स्ट्रक्ट नोड स्टार क्यू एंड स्टार आर दो पॉइंटर वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी। सो हमने कहा क्यू इज इक्वल्स टू पी के बाद वाला नोड है वो, सो पी डॉट नेक्स्ट इज द क्यू नोड एंड सम आर नोड इज एक्चुअली इक्वल्स टू क्यू डॉट नेक्स्ट। फाइन, हमें क्या करना है, पी की लिंकिंग करनी है आर के साथ। अगर हम पी को फर्स्ट नोड माने तो क्यू सेकेंड नोड है और आर थर्ड नोड है, तो फर्स्ट और थर्ड नोड की लिंकिंग करनी है और उसके बाद क्यू नोड को हमें डिलीट कर देना है। सो हमने क्या किया, फ्री कर दिया क्यू को। फ्री एक काउंटर, एक फंक्शन है जो कि मेलॉक अगर मेमोरी को एलोकेट करता है तो जो क्यू है सॉरी फ्री जो फंक्शन है वो उसको डी एलोकेट कर देता है। तो इस डायग्राम से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से हमारा डिलीशन प्रोसेस हो रहा है। ना उसके बाद एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं इसको डिलीट आफ्टर फिर से, कि क्यू और आर हमने फंक्शंस पॉइंटर वेरिएबल्स लिए, क्यू को पी के बाद वाला नोड माना, आर को क्यू के बाद वाला नोड, एंड देन उसके बाद हमने पी और आर की लिंकिंग की। थोड़ी सी गलती इसमें यहाँ पे है, स्टार पी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू आर होगा क्योंकि पी एज अ डबल पॉइंटर ट्रीट हो रहा है, तो स्टार पी से ही हम इसको डिनोट करेंगे। फाइनली हमने क्यू को डिलीट कर दिया। फाइन, डिलीट आफ्टर फंक्शन भी हमारा हो चुका है, और एक बार फिर से हम ट्रैवर्स कर लेते हैं पहले लिंक लिस्ट को एंड देन उसके बाद हम डिलीटेड नोड जो होगा, एक छोटा सा करेक्शन है, सेमी कॉलन यहाँ पे होना चाहिए। ओके, डिलीट ऑकरेंसेस फंक्शन में ऑब्वियसली हमारे पास एक इंटीजर एक्स पास होगा जो कि हमें बताएगा कि किस नोड को डिलीट करना है। फाइन, सो हमारे पास लिंक लिस्ट प्रॉपर बनी हुई है। अब हम इसमें से डिलीट ऑल ऑकरेंसेस वाले फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से नोड डिलीट हुए और लिंक लिस्ट हमारी कौन सी बची। तो हमने डिलीट ऑकरेंसेस वाले फंक्शन को कॉल किया, इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर दिया और साथ ही साथ इसमें 10 पास कर दिया जिससे कि वो सारे नोड्स डिलीट हो जाएं जिसके पास इंफॉर्मेशन 10 है, और फाइनली हमने इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करके देख लिया। सो यस, यू कैन सी दैट 30, 50 एंड 40 यही तीन नोड्स हमारे पास बचे हैं, बाकी सभी नोड्स के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो 10 थी और वो डिलीट हो गए हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल आल्सो, लेट्स से कि हमने इस लिंक लिस्ट को थोड़ा सा चेंज कर लिया है और इसके पास चार नोड्स ऐसे हैं जिसके पास 30 इंफॉर्मेशन है और चार नोड्स ऐसे हैं जिनके पास अदर देन 30 इंफॉर्मेशन है, और लेट से कि हम 30 वाले नोड को डिलीट करने जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि पहले हमने ओरिजिनल लिंक लिस्ट को प्रिंट किया है जिसमें चार नोड्स के पास 30 इंफॉर्मेशन है, और फिर नीचे वो लिंक लिस्ट है जिसमें कि 30 वाले नोड्स डिलीट हो गए हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसको हम यूटिलाइज करेंगे पॉलिनोमियल एडिशन और पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन में, जहाँ पे अगर किसी
टर्म का कोफिशियंट जीरो हो जाता है तो हमें उस वाले टर्म को डिलीट करना पड़ेगा पॉलिनोमियल लिंग्विस्टिक्स से. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल कम अगेन विद द न्यू कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर.